नमस्कार दोस्तों, स्वागतम। ये QR कोड है, इसको मैं स्कैन करना आपको सिखाता हूँ। ठहरिए ठहरिए, सिर्फ स्कैन करना ही नहीं, इस QR कोड में, QR कोड मतलब क्विक रिस्पॉन्स कोड, इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, आपके लिए लाभदायक हो सकता है। तो आइए वीडियो में बने रहिए। इस बिना किसी एप्लीकेशन के मैं इसको आपको एक्सेस करना सिखाऊंगा कि इसको कैसे स्कैन करके इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ तक आप पहुँचें। तो चलिए, इस QR कोड को हमने मोबाइल के गैलरी में रखा हुआ है, तो इसको स्कैन कैसे करें? मेरे ही मोबाइल में है तो स्कैन कैसे करेंगे? दूसरे के मोबाइल में रहता तो आसानी से स्कैन कर लेते। तो चलिए आपको सिखाता हूँ। सीधे आपको ले चलता हूँ मैं क्रोम ब्राउज़र। सबसे पहले प्ले स्टोर में जा करके क्रोम ब्राउज़र को आप अपडेट कर लें। दिस इज़ प्ले स्टोर। देखें, इस तरह कई आइकन होता है इसमें, और यहाँ पे सर्च बटन है दिया हुआ। इसको मैं जो ही क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लिख दूँगा मैं CROMB क्रोम और सर्च कर दूँगा, तो ये जो एप्लीकेशन आएगा, देखिए ये अभी अपडेट नहीं है, इसको आप अपडेट कर लें। हो सकता है बिना अपडेट किए भी ये काम करे, लेकिन आप फिलहाल अपडेट कर लें इसको। चलिए मैं अपडेट इसको करता हूँ, और अपडेट पर हमने क्लिक कर दिया और फटाक से ये अपडेट हो जाएगा। छोटा सा एप्लीकेशन है, बहुत जल्दी ही हो जाता है, 6.25 MB का है। ये पूरा अपडेट हो गया। हाँ, एक बात मैं भूल गया बोलना कि ये सारा काम करने के लिए आपके मोबाइल का इंटरनेट डाटा जो है वो ओपन होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। चलिए हम लोग इसमें ओपन पर क्लिक करते हैं। ओपन पर क्लिक कर दिया, ये हमें ले गया अंदर, और यहाँ पे आपको अब दिखेगा गूगल लेंस। ठीक है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये ऐसा करने से हमारे मोबाइल को ये जो है पोर्ट्रेट मोड में ले आता है ना, मतलब ये लैंडस्केप मोड में ले आया। यहाँ देखिए, ये वही QR कोड है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है कि आप दूसरे मोबाइल में हैं तो यहाँ से आप क्लिक करके स्कैन कर सकते हैं, या आपके मोबाइल के गैलरी में है तो फिर आप स्कैन करिए, इस जगह पे आप क्लिक करिए। तो QR कोड पर जो ही हम लोग करते हैं क्लिक, तो ये हमें दिखाता है कि इसका इन्फॉर्मेशन जो है वो गूगल ड्राइव में ले जा करके हमें दिखाएगा। तो सिंपल करना क्या है, तो ये QR कोड मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के रूप में मौजूद रहेगा, वहाँ से आप इसको क्लिक कर सकते हैं। तो फिलहाल आपको क्या करना है कि ये जो ड्राइव google.com है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, ये आपको किसी ईमेल आईडी पर ले जाएगा, तो किसी ईमेल आईडी से आप इसको क्लिक कर दिया हमने, और नीचे एक बटन है ओके, इसको भी आप छू दें, और ये आपको ले जाएगा सीधे गूगल ड्राइव में। गूगल ड्राइव में जाकर के ये खुल गया, और देखिए संबंधित दस्तावेज एवं शैक्षणिक वगैरह वगैरह, तो इसमें जो चीज़ हमें चाहिए वो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ये सारी चिट्ठियाँ हैं, है ना, इसी में मौजूद हैं सारी चिट्ठियाँ दी हुई। तो मुझे फ़िलहाल चेक करना है एकेडमिक कैलेंडर 2024-25 का। तो चलिए इसको क्लिक करके देखते हैं कौन सा कैलेंडर है। एकीकृत शैक्षणिक कैलेंडर, चलिए इसको क्लिक करते हैं और देखते हैं। ये लेटर है, और इसके नीचे वो कैलेंडर है कब क्या होने वाला है। ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा ये है शैक्षणिक कैलेंडर, इस तरह से मैं बैक वापस आ गया, मुझे क्वेश्चन बैंक भी देखना है और सिलेबस भी देखना है। चलिए क्वेश्चन बैंक पर हम लोग क्लिक करते हैं, और क्वेश्चन बैंक लिंक पर क्लिक करते हैं, अंदर ले गया। यहाँ पर मुझे 8वां का क्वेश्चन बैंक देखना है, तो चलिए इस पर जो लिंक है इस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। ठीक है, क्लिक कर दिया, फिर से क्लिक कर दिया, तो ये यहाँ पे ले गया। यहाँ जो सब्जेक्ट आपका है उसको आप क्लिक करें, ये थोड़ी देर में खुल जाएगा। चलिए हमने खोल दिया, तो इस तरह से ये खुलता है, है ना। तो आप अब जो है क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं, प्रश्न बैंक सह उत्तर सहित, तो है ना, बहुत अच्छी चीज़। तो 9th, 10th, 11th, 12th सब के लिए इसी तरह का आपको मिलेगा। आप यहाँ से क्वेश्चन पढ़िए, आंसर पढ़िए, और कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका आंसर देने के लिए, जो भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे बने बनाए हुए जो है डिपार्टमेंट की तरफ से अवेलेबल हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं वापस बैक, और फिर ये हो गया। अब फिर थोड़ा सा वापस, और थोड़ा सा हम लोग सिलेबस भी देख लेते हैं। सिलेबस जैक स्प्लिट अप सिलेबस, इसको भी क्लिक करते हैं, ये खुलता है। फॉर जनरल स्कूल, स्कूल ऑफ एक्सलेंस, तो मुझे देखना है 1-8 जनरल स्कूल के लिए। वीकली स्प्लिटेड सिलेबस फॉर जनरल स्कूल्स, इसको क्लिक किया, ये खुल रहा है।
ये खुल गया 2024-25 का वीकली स्प्लिट ऑफ सिलेबस, तो सारे क्लास का आपको यहाँ पे मिलेगा, आप इसको देख सकते हैं। तो उम्मीद है आप कैसे स्कैन करें क्यूआर कोड को आसानी से विदाउट एनी स्पेसिफिक एप्लीकेशन समझ में आया होगा। यदि समझ में आया और कुछ जानकारी मिले तो अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियो को आप देख सकें आसानी से। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।